दोस्तों एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत और एक और नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सुबह के लगभग 12:15 बज चुके हैं और नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था, पर अभी हम टहल रहे थे यहीं दुबई के अपने जिस एरिया में हमारा होटल है उसी में टहल रहे थे, और टहलते टहलते हमें कुछ पीने का जी चाहा तो मैंने सोचा कि इस जगह पर चलते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है ये शॉप, इसका नाम क्या है पता नहीं, जूस वर्ल्ड इसका नाम है। डेरा दुबई में ही यूनियन मेट्रो स्टेशन के पास आपको ये शॉप मिलेगी। यहाँ पर शॉर्मा से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें, बर्गर्स वगैरह भी मिलते हैं, और मेन इनका एम है जूस। इनके पास काफ़ी ज़बरदस्त तरह के जूस और शेक्स अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं ज़्यादातर नई चीज़ें ट्राई करने का सोच रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर ऑरेंज जूस भी है, मैंगो शेक्स भी हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें ट्राई करूँ जो थोड़ा रेयर हैं, इसीलिए मैंने कीवी जूस ऑर्डर किया है। और मेरे साथ असद भाई आए हैं जो मेरी खाला के लड़के हैं, उन्होंने अपने लिए एक शॉर्मा ऑर्डर किया है। मेरा पेट थोड़ा भरा था इसीलिए मैंने शॉर्मा ऑर्डर नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा हैवी हो जाता, तो अब इंतज़ार कर रहे हैं अपने कीवी जूस का और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है वो। दोस्तों इन लोगों ने अपनी शॉप पर काफ़ी अच्छे से फ्रूट्स से सजावट की हुई है, पीछे सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, वो रियल फ्रूट हैं। देखने में लगता है कि शायद वो रियल फ्रूट ना हो पर असल में वो रियल फ्रूट हैं, इसीलिए उन्हें छूना मना है, तो काफ़ी सही चीज़ है ये। एकदम रियल फ्रूट्स के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है इनका यूज़ ये लोग जूस बनाने में ही करते हैं, और पहले इनको लगाकर सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, बाद में इन्हीं का जूस बनाकर हमें पिलाते भी हैं। सेल्फी पॉइंट जो है यहाँ पर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं इनको सही रखने के लिए, इनका टेस्ट सही रहे, ख़राब ना हो, इसीलिए इस रूम के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ठंडक काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक तरीके की वो फ्रिज है, तो आपको फ्रिज में जाकर खड़े होकर सेल्फी खिंचाने का मौका मिलेगा, और दुबई की गर्मी में माइनस में टेम्परेचर में जब आप एंट्री करेंगे तो मज़ा तो आ ही जाएगा। तो गाइस हमारा कीवी जूस आ चुका है, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, और साथ में शॉर्मा भी आ गया असद भाई का। दोस्तों चलिए इसको पीकर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कीवी फ्रूट काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसका जो इन्होंने जूस बना कर दिया है वो भी उसी की तरह काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए अब आगे के दिन में हम क्या करेंगे ये अभी आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:15, और मैंने टिकट जो बुक किया है वो है 9:45 का, तो अब मुझे बुर्ज खलीफा पहुंचना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूरी है। इस वक्त मैंने टिकट जो जल्दबाजी में बुक कर दिया 10 बजे का, और टाइम मेरे पास केवल 1:45 का है, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर मुझे वहाँ पहुँचना है, और इस वक्त मैं बस पर बैठ चुका हूँ। अब देखना ये कि हम टाइम पर पहुँच पाएंगे कि नहीं, वरना टिकट रिफंडेबल भी नहीं है तो मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। 154 दिरहम्स यानी कि 3,000 रुपये बर्बाद करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाऊँ। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मॉल इतना बड़ा है कि उसे पार करके वहाँ पहुँचने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है, जहाँ पर बुर्ज खलीफा का टिकट काउंटर होता है। तो चलिए कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की। दोस्तों यहाँ पर बुर्ज खलीफा जाने में एक काफ़ी सीन क्रिएट हो गया, मैंने जो टिकट बुक कर दिया था वो काफ़ी कम टाइम के बाद था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करनी थी, इसीलिए मैं काफ़ी जल्दबाजी में आया हूँ, और अभी पहुँचे नहीं, 10 बजे का शो है और केवल 10 मिनट बचा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से दौड़ कर पहुँच जाऊँ। दोस्तों केवल 7 मिनट का टाइम बचा है, और टाइमिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो जो भी टिकट के पैसे हैं सब बर्बाद हो जाएंगे, ना रिफंड होगा, और टाइम पर ही गाइडेड टूर शुरू होता है। भागते भागते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, और फिर भी अब खैर दुबई मॉल एकदम पहुँच चुके हैं, देखते हैं एट द टॉप के टिकट काउंटर में पहुंचने में कितना देर लगेगी। दोस्तों खैर अभी देर नहीं हुई है, फाइनली इन लोगों ने मुझे टिकट दे दिया, हालांकि मैं 4 मिनट लेट हो गया था, पर फिर भी ये मुझे अंदर जाने दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फाइनली मेहनत रंग लाई और मेरे 3,000 रुपये बर्बाद नहीं हुए, मैं पहुंच चुका हूं बुर्ज खलीफा में। जल्दबाजी के मारे व्लॉग शायद अच्छा ना बन रहा हो, पर कोई डर नहीं, देखते हैं कैसा बनता है।
और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? काफ़ी दूर चलना पड़ेगा और तब जाकर हम लोग पहुँचेंगे। बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ने के लिए पहले हमें एस्केलेटर का यूज़ करना है। दोस्तों सबसे लास्ट में मैं ही हूँ, मेरे पीछे अब कोई भी नहीं आ रहा है, यानी कि जितने लोग हैं वो सब आगे जा चुके हैं और केवल हम हैं, हमारे आगे दो तीन लोग और भी हैं। तो खैर आज का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर दिखा बना हुआ है कि कब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 2004 में, 2005 में इतनी बनकर तैयार हो गई, 2007 में 100 लेवल पर पहुँच गई काफ़ी स्पीड से, 2007 में ही इन्होंने वर्ल्ड टॉलेस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2008 में दुनिया का सबसे ऊंचा इंसानों के बनाया गया हुआ स्ट्रक्चर, और 2009 में कंप्लीट, 2009 में पूरी तरीके से कंप्लीट, और ये 2010 में इसकी ओपनिंग फाइनली हुई थी। गाइस इस वक्त मैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में हूँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है पर यही रियलिटी है इस वक्त की। बाद में ये पल याद आएगा हमेशा कि मैं भी इस बिल्डिंग में गया था, जिसकी फ़ोटो हमें लगभग हर दिन इंटरनेट पर देखने को मिलती रहती है। वर्ल्ड फास्टेस्ट लिफ्ट जो अब नीचे आ रही है हमारे लिए, अब इनमें हम बैठेंगे और फिर जाएंगे, नंबर सेकंड्स की तरह बदलते हैं। दोस्तों वैसे तो हम लोग 124th फ्लोर पर है, पर यहाँ से भी ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा ऊँची है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पूरे शहर का, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि पूरे दुबई का व्यू दिख रहा है, और ये व्यू काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। इसे दिन में देखने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है और नाइट में देखने का एक्सपीरियंस अलग होता है। यहाँ पर नीचे आप जो देख रहे हैं ये पूरा दुबई मॉल का एरिया है, और सामने मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जिसकी मुझे टिप दिख रही है, ये है जेवोरा होटल, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल है, लेकिन हम लोग इस वक्त इससे भी ऊँचे हैं। दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने स्क्रीन लगाई है जिसके ऊपर आप चलेंगे तो लगेगा कि आप शीशे पर चल रहे हैं, तो जितनी ऊंचाई पर आप हैं उतनी ऊंचाई पर आप शीशे पर चल रहे हैं, फिर अचानक से एकदम से शीशा टूट जाता है और टूटने की आवाज़ आती है जो कि किसी को भी डरा सकती है, मजा आ सकता है। तो दोस्तों लीजिए बुर्ज खलीफा के टॉप से सीधा आपको व्लॉग ये देखने को मिल रहा है,
काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। रात का एक्सपीरियंस अलग होता है और दिन का एक्सपीरियंस अलग होता है। रात में चमचमाता हुआ दुबई, शारजा और पता नहीं कहाँ कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। फ्रंट कैमरे से इतना क्लियर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्लिप फ्रंट कैमरे से नहीं बनाई। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ नीचे वापस से अपनी दुनिया में, इतनी ऊंचाई पर आने के बाद, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आने के बाद, और ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगे। टिकट में कॉफ़ी और पता नहीं कुछ भी कुछ इंक्लूडेड था, तो वो मुझे ग्राउंड फ्लोर पर मिलेगा, तो चलकर उसे लेता हूँ। दोस्तों बुर्ज खलीफा के अंदर आने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दौड़ना पड़ा था, काफ़ी स्पीड में मैंने कोशिश की, तब जाकर मैं यहाँ आ पाया और फाइनली आना वर्थ रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और इस वक्त मैं कैफेटेरिया लॉन्ज पता नहीं कहाँ जहाँ ये लोग भेज रहे हैं वहाँ जा रहा हूँ, और देखते हैं वहाँ पर कैसा रहता है। पर फिलहाल यहाँ मैं नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पर इसके बारे में, इसे किन लोगों ने बनाया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके बारे में बताया गया है, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे लेबर हों, या इंजीनियर या विजनरी, सभी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि सबने मिलकर मेहनत करके इसे बनाया है। वही एक कैफ़े जहाँ मुझे जाने के लिए लोग भेज रहे हैं, मतलब जहाँ पर, तो चल गए यहाँ पर, देखते हैं बुर्ज खलीफा के अंदर आकर कैफ़े में खाना काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर बने कैफ़े में उन्होंने मुझे ये दिया है, एक ऑरेंज जूस और एक क्रिसेंट। वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, कॉफ़ी, टी, बहुत सारे जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स, पर रात होने की वजह से मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं था, तो मैंने ये जूस चूज़ किया, और साथ में पेस्ट्रीज और बिस्किट्स, कुकीज़, बहुत सारी चीज़ों में से मैंने ये चूज़ किया। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं काफ़ी अच्छे व्यू के साथ। दोस्तों कैफे से भी निकल चुके हैं और अब एकदम लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम इस बिल्डिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी कि इसको विजिबिलिटी कैसे देते हैं, क्योंकि ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि दुबई एयरपोर्ट पर उतरने वाले हज़ारों प्लेन्स को प्रॉब्लम हो सकती है। हर प्लेन को ये दिखना चाहिए, हर एंगल से बिल्डिंग नज़र आनी चाहिए, इसीलिए इसमें ऐसा लाइटनिंग सिस्टम लगाए गए हैं कि ये बिल्डिंग किसी भी वेदर कंडीशन में, सैंड स्टॉर्म हो या कुछ भी, ये हमेशा दिखती रहती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तभी जाकर सिक्योरिटी मेंटेन हो पाती है एरोप्लेन्स की भी, और बिल्डिंग दिखती है तो शहर का व्यू खूबसूरत तो आता ही है। यहाँ की गवर्नमेंट अपने नागरिकों से टैक्स तो नहीं लेती, पर बिजनेस करना अच्छे से जानती है दूसरे देशों के नागरिकों के साथ, यानी कि टूरिस्ट को बुलाकर। जैसे कि बुर्ज खलीफा से जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी महंगी टी शर्ट्स और काफ़ी महंगे सोवेनियर्स लगे हुए हैं बुर्ज खलीफा से रिलेटेड। टी शर्ट्स पर बुर्ज खलीफा लिखा हुआ है और उसके स्टैचूज भी हैं जिन्हें आप ले जा सकते हैं, और फोटोज़ भी इन्होंने क्लिक करवाई हैं, मतलब आपकी फ़ोटो वहाँ पर क्लिक करी हो तो आपको यहाँ पर मिलेगी। कितने की मिलेगी? 100 से 150 दिरहम्स की, यानी कि 2000 रुपये से भी ज़्यादा की। इसके अलावा टी शर्ट भी यहाँ पर 75 दिरहम्स की हैं और उससे भी ज़्यादा की हैं। और भी बहुत सारे सोवेनियर्स हैं, हम चेक कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में आएगा तो लेंगे, वरना सीधा बाहर जाएंगे। तो गवर्नमेंट काफ़ी चालाकी से बिजनेस करती है और अपने नागरिकों से टैक्स ना लेकर इकोनॉमी को बूस्ट करती है इसी तरीके से। बुर्ज खलीफा लिखा हुआ है, बस ये इसी के, आप जैसे मार्वल के होते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर है। चेक करते हैं इस बुर्ज खलीफा का प्राइस कितना है, यहाँ पर तो लिखा ही नहीं होगा। ये देखिए इस टी शर्ट पर हर तरफ बुर्ज खलीफा लिखा हुआ है, इसका प्राइस है 90 दिरहम्स। बुर्ज खलीफा के अंदर ये मिल रही हर चीज़ बुर्ज खलीफा की है, हर चीज़ पर सिर्फ यही लिखा हुआ है दुबई या बुर्ज खलीफा। और अब हम यहाँ से एग्जिट लेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर शानदार ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं बुर्ज खलीफा से बाहर दुबई मॉल में, और दुबई मॉल से निकल कर अपने होटल की तरफ।